देखिए ये प्रथम राजकुमार, ये प्रथम राजकुमार को शहर से आने के रहने वाले पाटचंद नाम के गुज्जर, ये पाटचंद नाम के गुज्जर अपने शहर से आने में ले आते हैं। अब ये प्रथम राजकुमार शहर से आने में रहने लगते हैं, रहते रहते काफी दिन हो जाते हैं, रहते रहते काफी दिन बीत जाते हैं। उधर कौन, अजय नगरी में राजा अजय पाल, ये अजय नगरी में राजा अजय पाल, उन्हीं की लड़की मंजवती श्यानी हो जाती है, उन्हीं की लड़की श्यानी हो जाती है। देखिए वो नए ब्राह्मणों को बुलाकर और किस तरह से अपनी लड़की का रिश्ता और शहर छाने को भेजते हैं। हे प्राणनाथ स्वामी, कहो। देखो हमारी लड़की मंजवती श्यानी हो गई प्राणनाथ। ठीक है, तो हमें बेटी की शादी भी करनी है। महारानी आप एक काम करो, कहीं अच्छा सा लड़का तलाश करो प्राणनाथ। ठीक है, आपने मुझे ध्यान दिलवाया, ये तो मैं भी खुद सोचता था जी कि बेटी मंजवती श्यानी हो चुकी है। हाँ जी, उसकी शादी का प्रोग्राम करना है। हाँ, बेटी की शादी रचानी है प्राणनाथ। अभी आप किसी पंडित जी को बुलवाते हैं और नाई को बुलवाते हैं? बांदी को बुलवाओ और बांदी को पंडित जी को और नाई को बुलवाओ। ठीक है प्राणनाथ। हाँ। मैं अभी बांदी को बुलवाती हूँ और बांदी के हाथ नाई ब्राह्मणों को बुलवाती हूँ। आ रही बहन बांदी। जी रानी साहब नमस्ते। खोल रहो बांदी। हाँ नमस्ते बांदी। एक काम करो। क्या काम करना? आप जल्दी से शहर में चले जाओ। अच्छा, और किसी पंडित जी को और एक नाई को बुला लो बहन। पंडित जी को नाई को बुला के लाओ। उनसे कहना। किस लिए? कि रानी दिबरा ने आपका नौता किया है। अच्छा हाँ, वो जल्दी आ जाए। ठीक है, मैं जाती हूँ रानी साहब। ठीक है ना बांदी? जाती हूँ, बहुत जल्दी बुला के लाना। ठीक है, जा रही हूँ। जाओ बांदी। जाती हूँ। आइए मेरी जाने बहन। क्या आइए? ठीक हो सरकार? जी हाँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ जी। किस लिए आई हो? हम ठीक हो। हाँ हम तो ठीक है सरकार। मेरी बात सुनो। हाँ जी। आज तुम्हारा नौता है, चलो। नौता? हाँ, तो नौते में तो खीर उर भी बनी होगी। खीर बनी है, बड़े बड़े सामान डाले खीर में। तो पंडित जी को बुला लूँ? हाँ पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाता हूँ। हाँ बुलाओ पंडित जी को। अभी पंडित जी को बुलाता हूँ। जल्दी से, मेरे पास टाइम बहुत कम है। एक बात तो बताओ, तुम्हारी शादी हुई या नहीं अभी? ना, अभी ना हुई। कुआरी जी। चलो ना हुई तो होगा मतलब। और तेरी? हुई मेरी भी ना, मैं भी फड़ाड़ी फिर यहाँ। तो क्या करूँ जी मैं इसमें? उम्मीद आपके साल में निकल जाऊंगा। बस मुझे तेरी उम्मीद नहीं है। वैसे कहन सुनन चल रही है। कहाँ से चल रही जी? मेरी खाला आई थी देखना। कहाँ से? खलेरी भिंडा से हो रही है निकाह। खलेरी भिंडा से हो सके हे तो कोई ना कर लगा तो शादी। खलेरी मुमेरी फुफेरी चचेरी सब चले है तो। हाँ सही है। अब मेरी बात सुनो पंडित जी को जल्दी से बुलाओ और मेरी बातचीत कराओ। अभी बुलाता हूँ पंडित जी को। एकदम बुलाओ। हाँ हाँ बुला दिया हूँ। अभी बुलाता हूँ। ए जी पंडित जी। अरे क्या बात है जी मान पंडित जी। हरियो हरे राम राम राम। ये दाती पंडित जी पाल रहे हो? जय जी राम जी। क्या हुआ पंडित जी? हरिओम आ पवित्र पवित्रवा स्तांगो तो पूर्णी का संपूर्णता। हरिओम हरिओम जी। पंडित जी मेरी बात सुनो। क्या है? अरे इसमें गंगा जल है तो मुझे इसका छिटा मत दियो, मुझे सिरे शाम हो जाए इससे। हरी जिजमानी तुझे पता है हरी गंगा जल के लिए दुनिया परेशान है, बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं। मैं कोई चक्कर नहीं करते ऐसा। पंडित जी पवित्र हो जाते हैं। पंडित जी मैं खुद ही पवित्र हूँ बिल्कुल। ए जी कैसे पवित्र भाई? सुनिए भाई कैसे पवित्र तू? पंडित जी मैं साफ सुथरी हूँ, बहुत दूर नहा आई हूँ। कैसे नहा आई? केस में हर साबुन से नहा आई। केस निखार से? हाँ। अरे तू केस निखार से नहाई या भैंस निखार से नहाई? हाँ भाई ऐसा है, गंगा जल के बगैर पवित्र नहीं होते। आप पवित्र पवित्र सर्वा स्तांगो तो पूंजी का कम पुनता है। पंडित जी मेरी बात सुनो। हरी फिर छो जाता है। हरिओम। चलो पंडित जी ये भजन करने के कपड़े हैं, मैं भजनानंदी आज भी देखना रहा तुझे। मैंने कई सारा भजनानंदी देखे हैं तो फिर। हरिओम भजनानंदी में। ये बता जी मानी क्यों आई है? पंडित जी तो हमारा नौता है आज। नौता? हाँ जी। तो नौता खीर पूरी का? खीर बनी है, बड़े बड़े सामान डाले पंडित जी खीर में। अरे गोला भी डाला? गोला भी डाला। और बादाम भी डाले? बादाम भी डाले। छुआरे भी डाले? छुआरे भी डाले। और किस्मत भी डाली? किस्मत बदतमीज। अरे किशमिश कहो किशमिश। हाँ हाँ। और पखाने भी डाले? बदतमीज। साइकिल का नाश्ता मार दिया पागल बदतमीज। खीर बेकार हो गई? अरे खीर खराब हो गई है। अब मेरी बात सुनो। हाँ अब जल्दी से तुम तैयारी करो। हाँ जी। हाँ जी भाई ये बता किसने बुलाया है, किसने नौता किया है? राजा साहब ने बुलाया है, रानी ने बुलाया तुम्हें तो। चलो रानी दिबला ने? जी हाँ। राजा अजय पाल ने? जी हाँ।
चल भाई जिजमानी तो फिर तो मेरे पीछे सुबह से नहाया धोया बैठा में हाँ। कोई दावत वाला आया ही नहीं भाई, खीर का ऐसे लगा हुआ हूँ मैं कैसे के जैसे किसान भुस्तियार को खेच ले सैर दसी पसांग ले से तो सुनियो खोक रहे हैं बिल्कुल ही। अरे तो खोखरे तो सब होते हैं जिजमान, नहीं हम नहीं हम ये ठोस कौन होता है, सभी खोखरे होते हैं जिजमान, छोटी खोखरी है। नहीं खीर के इतने लगे हुए हैं, खीर के इतने लगे हुए हैं कितने, और जो चम्मच भी नहीं मिलती तो प्लास्टिक की जुत्ती से ही करते हैं। क्या बात करता है यार, चलो अब मेरी बात सुनो जल्दी चलो, जाओ जाके कह दो हरे राम राम, जाओ जाके कह दो हरे ओम हरे ओम हरे ओम। रानी साहब नमस्ती, खुश रहो बांदी। बांदी हाँ जी, कौन पंडित जी आए नहीं आए? हाँ, पंडित जी भी आ रही, नायिका भी आ गई। पंडित जी आ गए सही, और नायिका भी आ गया, नायिका भी आ गया। तो बांदी पंडित जी को नायिको अंदर भेज दे। लेकिन मेरी बात सुनो, क्यों क्या बात, गड़बड़ हो गई बात इसमें, गड़बड़। मैंने सुना है कि सामने रंग का पंडित खतरनाक होता है, पंडित पंडित सामने है क्या? सामला है बिल्कुल। बांदी बड़ी अच्छी बात है, अगर पंडित जी सामले हैं तो बहुत अच्छी बात है बांदी। अच्छा, क्योंकि सामले पंडित जी बहुत विद्वान होते हैं, विद्वान होते हैं, सच्ची बातें बताते हैं बांदी। जरा चौकस रहिए, चौकस क्यों? नहीं मुझे बहुत पता नहीं। कोई बात नहीं बांदी, एक काम कर, पहले हाँ। बंदू भेज मेरे पास, बंदू भेजो पहले, उस नाई को भेज दे पहले। ठीक है भेजती हूँ। हाँ जल्दी से भेज दे अंदर। अरे नायके क्या बात है भैया, अंदर चल। हाँ 9 महीने जेल तुम अब खाट आ रहे हैं? अरे ये नहीं क्या रही, अरे पक्के महानों में चल। ये मतलब रानी साहब ने अंदर ही बुलाया? हाँ अंदर बुला। अच्छा आ जाओ, मैं चलता हूँ। चलो महारानी सलाम। सलाम भैया, सलाम बुंदे। हारी किसने बुलाया महारानी? भैया हाँ तुम्हें मारो, मैंने किस लिए याद किया है? किसने बुलाया जी? पहले ये बताओ, हाँ पंडित जी भी आए नहीं तेरे? हाँ, पंडित जी है, पंडित जी को बुलाऊं? बंदो हाँ। पंडित जी को और बुला, पहले पंडित जी को बुला लूं। हाँ पंडित जी को बुला जी। पंडित जी है क्या? पंडित जी हो? अरे क्या बात है जीमान, ये है पंडित जी पालगन। खुश रहो जीमानी, आनंद करती रहो जीमानी, सदा सुखी रहो। हाँ हाँ, क्यों बुलाया है साहब? जाओ बांदी, आप आराम करो। तुम जाओ बांदी, ये छिड़काव मत करना इनके ऊपर, ये गंगा जल है जी। जाओ बांदी, कोई बात नहीं। पंडित जी हाँ, देखो पंडित जी हमारे जो लड़के मंजवती वो सियानी हो गई है पंडित जी। अच्छा बड़ी अच्छी बात है जी। हाँ वो सियानी हो गई है, तो देख का मार दो यानी हो जाएगी। अरे ओ नाइके, तुझे मालूम है के लड़की जब सियानी हो जाती है तो शादी के योग हो गई, और शादी से नाई और ब्राह्मणों को बहुत आमदनी होती है। ये बात है भैया, कोई बात आमदनी की जड़ है तो तू बात कर ले। अच्छा जैसा हुक्म हो पंडित जी। भैया ये बतलाइए महारानी बुंदो। हाँ जी, हमारी लड़की शादी के योग हो गई है, हमें उसकी शादी करनी है। आप एक काम करो, हाँ। कहीं जाओ देश विदेश में, हाँ। अच्छा सा वर तलाश करके आओ उसके लिए। तो लड़का कितने उम्र का होना चाहिए री? लड़का होना चाहिए 20 साल का या 18 साल का। और जो 20 साल का ना मिला, हाँ। 5-5 साल के 4 तलाश कर जाऊ तो मर जा। हाँ? अरे 4 का क्या होगा? क्यों पागल, लड़का एक ही होना है भैया। नहीं लड़की कभी रानी नहीं हो सकती है। अरे पंडित जी, अरे लड़की एक है और लड़के 4। मैं अरे भैया ऐसी बात नहीं है, मैं दूल्हों का मिजाज सोच कर बता रहा हूँ। क्या बात भैया? लड़की कभी रानी नहीं हो सकती, एक मरेगा एक रहेगा, एक मरेगा एक रहेगा। पंडित जी देखो पहले कुसुम नहीं कर दी इसने बदतमीजी, लड़का एक ही होना है भैया। बोलो लगन पत्रिका जानी है। एक काम करो बंदो, खाने के लिए हमारे लिए खाना बांध दो। अच्छा, और हमें लगन का सामान दो और पैसे दो। पैसा चाहिए? पैसा पैसा ठीक है। हाँ, हाँ। देखो ये तो इसमें खाने का सामान है आपके, लाइए है नहीं? लाइए। और ये रुपया 10,000 10,000 रुपया आपको ठीके में देना है। लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का होना चाहिए बहुत सुंदर खूबसूरत, सुंदर होना चाहिए, बहुत सुंदर लड़का होना चाहिए। ठीक है ना भैया? एक बात बताओ महारानी, देखभाल के लड़का बुरा होना चाहिए? लड़का ऐसा होना चाहिए जैसा मैं? अरे ओ कमीज़, तू कोई लड़का है? तेरी सूरत देखी है तूने आईने में? अरे तू कोई लड़का है क्या पागल? तू काला है? ये मतलब तू काला है भाई? तू तो काला है बदतमीज। चल मेरे साथ, चलो फिर। अच्छा खूबसूरत लड़का देख के आना, ठीक है? अच्छा अच्छा पंडित जी पालगन सुखी रहो जी। मानी पता नहीं कहाँ चलो जाना पड़े पंडित जी, कुछ सुनवाते चलो भाई। एक बात सुनो, हाँ जी, रास्ते में ना जाने कितनी दूर जाना पड़े। ये बात है पंडित जी, है ना बात? हाँ।
यार कुछ मनोरंजन हो जाए। कवाली बड़ी अच्छी बात है। कवाली सुनवा दूं? सुना दे। लो कवाली सुनो साहब। बहारो धूल बरसाओ मेरा मकसूद आया है, खाने को अमरूद लाया है। अरे अरे ये कोई कपाली है तेरी? तो के बहारो धूल बरसाओ मेरा मकसूद आया है, खाने को अमरूद लाया। अबे ये कोई कपाली है? खाने पीने का जिक्र तो पहले करना पड़े महाराज। अरे ओ जी बदतमीज, अबे जब तुझ पे अपने मुसलमानी मजहब की कोई बात नहीं आती, हाँ जी, तो तू हमारे हिंदवानी मजहब की बात क्या कह सकता है? तुम अपने मजहब की बात कहाँ से सुनना चाहो पंडित जी? तू हाँ सुना सकता है? हाँ जी। कोई चौपाई सुना दे, हरी भजन की बात सुना दे। मतलब रामायण में से चौपाई सुना दूँ? आती है? हाँ हाँ सुना दे। सुनो। सुना। हमारे मजहब की तौहीन करता है क्या? चाय यहाँ मिलती नहीं, चाट लो सिरा। रामायण की चौपाई में चाय और सिरे का कोई जिक्र नहीं है। खाने पीने का जिक्र नहीं है? नहीं है। अरे हरी भजन की बात है। हरे गलत हो गई। हरे राम राम हरे राम राम। अगली सुनवा दूँ? हाँ अगली सुनो। क्या कहा तूने? पीछे से लक्ष्मण ने बीड़ी छिलगाई। हाँ अबे बीड़ी सिगरेट नहीं पीते थे वो? हुक्का तंबाकू नहीं पीते? अरे वो लक्ष्मण जती थे? वो लक्ष्मण माता थे? अरे लक्ष्मण माता नहीं, लक्ष्मण भ्राता। सीता माता, सीता भ्राता, लक्ष्मण माता। अबे ओ हरे राम 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 राम। और कोई आती है? जो भी गलत हो गई, गलत हो गई। इससे अगली सुनवा दूं? चल सुना। जो सुनो। का आधार है तो, और जब सीता नहीं रही तो रामायण में रह क्या गया? तो रामायण खत्म हो गई। हरे राम राम हरे के भजन करो बच्चा, ऐसा है। हरे भाई ओहो, ये शहर कौन सा है? ये शहर चाना है पंडित जी। शहर चाना? हाँ जी। अरे यार ये भी एक राजधानी है। यहाँ कोई पार्षद राधा है? पार्षद? हाँ हो सकता है कोई राजकुमार यहाँ पे मिल जाए। चलो इनके है मालूम करके तब चलेंगे। लड़का यहाँ मिल गया ना? जी हाँ। इससे टीका यही चढ़ा देंगे। इससे बढ़िया जगह नहीं मिलेगी पंडित जी। एक बात सुन। हाँ जी। जो भी राजकुमार यहाँ मिले या ढोरी पर कोई मिले, हाँ बड़े तहजीब के साथ तमीज के साथ बातें करनी है। तो कोई बात खराब नहीं होनी चाहिए। तो तमीज तो मैं लाया नहीं पंडित जी। तमीज नहीं तहजीब। अच्छा। तहजीब के साथ जरा प्यार के साथ। ये बात। हाँ कोई बात गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं होने की, मैंने तुम्हारी इज्जत खराब ना कराई जब कही हो। अबे ओ, अबे इज्जत खराब नहीं है तो तुम्हारी इज्जत ना कराई। ये तो कह रही हूँ। जाओ। अच्छा मैं जाता हूँ। ढोरी पर कोई मिलेगा तुम्हें ही रहना। हाँ मैं यहीं पे खड़ा हूँ। हरे राम 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 राम। हरिओम हरिओम हरि। वालेकुम।
मैं क्या कहूँ भाई, नू कह रहा वालेकुम, उसे कहा करते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे सलाम भी मुझसे करा रिया है। तुम्हारी लाइन कट गई। और ये दरबार किनके जी? ये दरबार, अच्छा हाँ जी, ये दरबार देखिए जो पांच चंद गुज्जर हैं उनके हैं। ये मतलब? हाँ। तो उनसे जाकर कह दो तुम तो दो जंटरमैन मिल रहा था। जंटरमैन? हाँ जी। अरे आप कौन है भाई? मैं तो पंडित जी हूँ। अरे पंडित जी हो? हाँ जी। अरे यार पंडित जी हूँ। जरा इधर को आइए भाई। लो जी। आप पंडित जी हो? हाँ जी। अच्छा एक बात बोलो, जब आप पंडित जी हो तो आपका गोद क्या है? दो मिनट रुकना पड़ेगा। अच्छा रुक जाओ। हाँ चलो हम रुक रहे हैं। हम रुक रहे हैं। बुंदू पंडित जी। हाँ भैया। चलो तुम्हारा गोद क्या है? मेरा गोद? हाँ जी। या तेरा गोद? ना तुम्हारा गोद। अरे यार नाई और ब्राह्मणों का एक सा गोत होता है, सदा साथ साथ रहते हैं। अच्छा भाई हमारा गोत है सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार तीन तीन बार ये जाओ। हरे राम 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 राम। आ जाओ महाराज अब बता मंगे। हाँ भैया हमारा गोत है जी सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार सिल्ली मार और सिल्ली मार। हाँ जी। अच्छा तुम्हारा निकास कहाँ से है? निकास? हाँ निकास भी बताओ। तीन मिनट रुक जाओ। और रुकना पड़ेगा? अभी बताओ। चलो हम रुक रहे हैं भाई। अच्छा जी। हाँ भैया तुम्हारा निकास कहाँ था? चलो ना अभी नहीं। हाँ तुम्हारा निकास कहाँ था? अरे यार कभी गोत पूछता है कभी निकास पूछता है, मैं तुझे सारी बातें इकट्ठी बताई देता हूँ। हाँ गोत हमारा सिल्ली मार। हाँ। निकास हमारा किस्मत में से। और शाखा पूजे? हाँ। तो भैया कैसी उस तरह? अच्छा आप बताओ। ठीक है नाई ब्राह्मण साथ साथ रहते हैं, नाइयों का गोत ब्राह्मणों का गोत एक सा होता है। ये मतलब हर एक बात कोई बदलाव नहीं होता। अच्छा जी जा तू आ जाओ महाराज अब बता मुझे। है भैया? हाँ जी। क्या है? हमारा निकास? हाँ। किस्मत में था? किस्मत में से? हाँ जी। अरे साका कैसी उस तरह? अबे ये गोत तो नाइयों का होता है। अबा बड़ा चालू निकला बाबा मन गए। अबे ओ नाई के अबा बाबा मन गए बड़ा चालू निकला। हाँ जिजवान। हाँ। ये जो राजधानी है इस राजधानी के मालिक का क्या नाम है? देखिए ये पाचन गुज्जर। पाचन गुज्जर? हाँ मेरे भाई साहब है। उनसे जाके कहो कि अजय नगरी के रहने वाले एक नाई और एक ब्राह्मण आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिजवान हम बड़े परेशान हैं और उनसे दो बातें करना चाहते हैं। आपने क्या बोला अजय नगरी के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा आप पंडित जी हैं? मैं पंडित हूँ। और ये? मैं बुंदू नहीं हूँ जी। अच्छा बुंदू नहीं हूँ मैं। तू मैं अभी खबर पहुँचाता हूँ आपके पास। ज्यादा मत बोलना। हाँ। आपकी खबर अपने भाई साहब के पास पहुँचाता हूँ। पहुँचा दो जी। आप ठहरिएगा अभी यहाँ पे। आ जाओ आप यहाँ पे ठहरिएगा मैं भी जाता हूँ। हाँ भाई साहब परचन नमस्कार। नमस्कार भैया प्रथम। हाँ भाई बोलो किस लिए आना हुआ? देखिए आपके दो मेहमान हैं। अच्छा वो कहते हैं कि हम अजय नगरी के रहने वाले हैं। हाँ एक ब्राह्मण है एक पंडित, एक ब्राह्मण है एक बाल मास्टर है। क्या कहा है? पंडित जी हैं और एक बाल मास्टर है। हाँ भैया जाओ मेरे पास बुलवा लो। आपका हुक्म हो तो हाजिर। हाँ। करूँ? बुलवा के लाओ मेरे पास। अभी जाता हूँ मैं और आपके पास बुलवा कर लाता हूँ। अच्छा अच्छा पंडित जी। हाँ जिजवान। हाँ क्या कहा तुम्हारे श्रीमान? मेरे भाई साहब ने बुलवाया है। बुलाया आइए मेरे पीछे पीछे आओ। चलिए भाई को समझा दो। हाँ इधर आ भाई। हाँ जी देश। हाँ जी परदेश की बात है। हाँ जी राजा महाराजाओं की बात है। ठीक है कोई गलत बात मत करे। नहीं महाराज। अच्छा पंडित जी कैसी बात कर रहे तुम? अबे ओ हाँ जी जरा मेरी इज्जत का ख्याल रखना। अच्छा पंडित जी अच्छा आओ मेरे पीछे पीछे आओ महाराज। सलाम सलाम भैया सलाम। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ सुखी रहो जिजमान। हे जिजमान बैठिए पंडित जी। हम अजय नगरी के रहने वाले हैं। हाँ कहाँ से आना हुआ? अजय नगरी के रहने वाले हैं, राजा अजय पाल ने हमें भेजा है। अच्छा आपके यहाँ पर कोई लड़का हो पंडित जी तो वो हमें दिखा दीजिए। उनकी एक लड़की है जिसका नाम है मंजुवती। क्या कहा?
अजय नगरी से आए हो और राजा अजय पाल के भेजे हुए हैं। जी हाँ। एक लड़के की तलाश है। हाँ जी महाराज। पंडित जी देखो ये आपको किसी ने गलत बता दिया, हमारे यहाँ कोई लड़का तो नहीं है। लड़का नहीं है? शादी और कोई लड़का नहीं है। तो पंडित चलो फिर ये तो ऊँट निकले। अबे ऊँट उसे कहते हैं जिसके यहाँ कोई संतान होती नहीं। तो ये तो मना कर रहे हैं हमारा कोई लड़का नहीं है, कोई शादी के योग नहीं है। ये मतलब अच्छा जिजमान हम चलते हैं। ठहरो पंडित जी। हाँ जी। देखो लड़का तो हमारे यहाँ शादी योग नहीं है। और बाजी हमारा एक भाई साहब है। अजी भाई साहब नहीं चाहे तुम्हारा दादा क्यों ना हो। अरे ओ बाल मास्टर। हाँ जी। क्या कहा हमारे दादा की शादी हो रही है? नहीं जिजमान हमें तो लड़का दोस्ती होना चाहिए। ऐसा है के सबसे बड़ा रिश्ता ताऊ का होता है। दादा का भैया अगर छोटा है तो वो दादा ही है, और ताऊ ताऊ कभी छोटा नहीं होता। जिजमान हमें लड़का दिखा दीजिए। ठीक है पंडित जी अगर आपकी इच्छा है। हरे तो भाई साहब को बुलाता हूँ। हाँ लड़का दिखाइए पंडित जी को। हरिओम हरे राम राम। हाँ जी बैठो भैया। प्रथम राजकुमार। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। देखो अजय नगरी से एक बाल मास्टर और एक पंडित जी आए हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। क्या पंडित जी ये लड़का है? पंडित जी नमस्कार। सुखी रहो। अरे पंडित जी सुनियो, लड़का तो अच्छा है, सुंदर है, तंदुरुस्त है, लड़का तो ठीक ठाक लग रही है। आगे चलिए भैया। तू कर ले आगे चलिए भैया। आ जाओ पंडित जी। क्या लोमडा बिल्कुल बेकार। अरे भाई कभी क्या है लोमडे का बेचारा फट गया जी। अबे ओ बिचाला फटा हुआ है। हाँ जी जिजमान। क्यों पंडित जी क्या बात है? ये कह रहा है कि लड़के का बिचाला फटा हुआ है। क्या कहा तुम्हारे जो बाल मास्टर है ये कहते हैं कि लड़के का बिचाला फटा हुआ। हाँ जी। अगर आपकी इजाजत हो तो बिचाला तो मैं तुम्हारे बाल मास्टर का भी खोल दूंगा। खोल दो जिजमान हमें कोई इतराई नहीं है। हरे राम 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 हरे राम राम। अरे बाल मास्टर। हाँ जी। क्या कमी निकाली लड़के के अंदर? लौंडे में कमी थी, लौंडे का बिचाला फट गया। बिचाला फट रहा? हाँ जी। अरे बिचाला तो मैं कहो तो तेरा भी फाड़ दूंगा। ना जी देख लो ये क्या है। ये देखो। ओ सुनियो पंडित जी। हाँ भैया। यो तो मेरे बिचाले में भी हापुर से पकड़ गया। अबे हापुर नहीं इसमें दिल्ली भी दिख जाएगी। हाँ जी बिचाला हर इंसान का बटा होता है। जिजमान महाराज एक बात सुनो। देखो पीछे भाई कोई तुम्हारी मांग वगैरह या कोई बात ऐसी हो तो बता देना। देखो पंडित जी मांग हमारी कुछ नहीं है। अच्छा बाकी एक मांग है। क्या? एक मोटरसाइकिल की। तो मोटरसाइकिल तो है नहीं, टायर पड़े हमारे में दे देंगे, चलाते फिरा करियो। अरे हाँ। कोई बच्चा है क्या वो डंडे से चलाता फिरेगा? जिजमान ऐसा है हाँ। कि राजा महाराजाओं की बात है, मोटरसाइकिल की क्या बात करते हो? आपको चार पहियों की गाड़ी मिल जाएगी। नहीं नहीं हाथी घोड़े प्लस पालकी बहुत कुछ ज्यादा मिलेगा। अच्छा आप लड़के को बिठाइए, हमें लड़का पसंद है। पसंद है लड़का तो हमें पसंद है। बाकी हमारी जो लौंडिया है तुम्हारे लौंडे को दबा कर पड़ेगी। पंडित जी हाँ। ये तुम्हारे बाल मास्टर किस तरह की बात करते हैं? हाँ, सही बात है। हमारी बात तो समझ में नहीं आई आप जो कह रहे हैं। मैं बताता हूँ हाँ। लड़की जरा सुंदर है, बहुत उजले रंग की है, लड़का जरा सांवला है। वो जो तुम्हारे बाल मास्टर कह रहे हैं कि हमारी जो लड़की है वो तुम्हारे लड़के को दबा कर पड़ेगी। अरे कोई हाथी पाल रखा क्या? नहीं नहीं लड़की गोरे रंग की है, उजली है। हाँ ये कह सकते हैं। है लड़की गोरे रंग की है, लड़का जरा सांभला। ये सांभला है रंग में दबा लेगी, यानी रंग में दबा लेगी। हाँ ठीक है पंडित जी। लड़का तो यही है, अगर इच्छा है तुम्हारे लौंडे का रंग जरा कुछ दबा हुआ रह गया, कुछ गड़बड़ हो सकती है, लौंडा रंग का खैरा रह गया कुछ। अरे रंग तो दुनिया में दो ही होते हैं, काला। सुनियो सुनियो जब ये लौंडा होया था तुमने इनके दिमाग को जामन खुलाई थी क्या? ऐसा है इसकी मजाक करने का रिश्ता है जिस बार। अच्छा ये लड़की का भौसा लगता है। अच्छा बोलाओ जी क्या? हल्दी के दाने लाओ, चावल की गांठ लाओ। चावल के दाने, हल्दी की गांठ और पानी लाओ। पिसी हुई हल्दी चाहिए। देखो चावल के दाने होते हैं, हल्दी की गांठ होती है। और पानी लेकर आओ। पानी तो मंगाया जाएगा, पानी तो यहाँ नहीं है। अब लोमटे को बुलाओ जी। बुलाओ बुलाओ कुमार। ऐसा है भाई साहब बैठो। अच्छा बैठो आप। पानी लाओ जी पानी। अरे सामने से तो हट जा, तेरा जाए सत्यानाश। पानी लाओ पानी। पानी तो मंगाया जाएगा, पानी तो समय नहीं है। तो थूक सा कर दू काम। अबे ओ हाँ चावल चिपकाने अंगूठे का जरा जोर दे देना। हाँ हाँ अच्छा चावल चिपक जाएंगे। मैं मंत्र बोलता हूँ तो पानी नहीं है ना। हरियो गणंतुआ गणपति सुनियो सुनियो पंडित जी जरा 500 रुपए दे दियो। क्या क्या कहा 500 रुपए? हाँ क्यों यार टिक्का करेंगे हम तुम्हारे हैं पंडित जी। हाँ आप चले जाओ। क्या बात है
मतलब पैसे हम देंगे पास से तब हमारे यहाँ नहीं नहीं ती क्या करेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, है? अबे तुझे 10,000 रुपए दिए थे कहाँ गए पैसे फट गए जेब निकल गई खेती कर गए मेरे पास है ले तुम्हारे चीजें में 10,000 रुपए दे दे तुम्हारे हाथ लग गए थे हाँ यो भी ले भैया 10,000 की गड्डी है यो भी ठीक हो या नहीं आज तुम्हारी बेइज्जती हो जाती चल तिलक कर लो जी तिलक कर दूं महाराज ये लो ये तो कपड़े गजानन भूत गजानन ये 10,000 रुपए चलो खड़े हो जाओ हाँ नाक से पहले जरा ठीक खड़े हो जाइए तुम्हारी अम्मा ठीक ठाक है हाँ ठीक है कुछ रिश्ता ही ऐसा है इसका अच्छा का मोसा लगता है तुम्हारी भेजना ठीक ठाक है अरे बालमास्टर देखो मैंने आपसे पहले बताया था कि हम आपस में दोनों भाई भाई हैं हाँ जी सुना भाई साहब से पूछ रहे हैं तुम्हारी अम्मा ठीक है मुझसे मालूम कर रहे हैं तुम्हारी बहन ठीक है नमस्कार ऐसा है मैं आपसे बताता हूँ जहाँ श्री महाराज की शादी हुई है वही पेश की शादी हुई लड़की का मोसा लगता है अच्छा तो उस रिश्ते से कुंवर साहब से मालूम कर लिया अच्छा और गाँव बस्ती का जो रिश्ता है वो बहन भाई का रिश्ता है उस रिश्ते से आपसे मालूम कर लिया कि आपकी बहन ठीक है नहीं पंडित जी आपके बात बिल्कुल सही है एक लगाने वाला और एक बुझाने वाला अच्छा जिजमान एक काम कर रहा है जरा बड़ा ठीक ठाक लाला अच्छा और कोई शराब वराब पीने वाला आदमी नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसा माहौल चल रहा है नहीं नहीं वो सब कुछ ठीक है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा सुनियो सुनियो चाय ना पिलवाने गए चाय चाय पीनी है आपका नाश्ता होगा पंडित जी आप भी बैठिए भैया प्रथम राजकुमार इसे चाय पिला दो भाई साहब देखो इन्हें अंदर ले जाओ और इनका नाश्ता चाय पानी पिलवाओ इनको चाय पियोगे हाँ जी आओ अंदर आओ हाँ आओ अंदर अंदर आओ अरे आओ तो सही चाय चाय ये तो बड़े घबरा रहे हैं पंडित जी इस कलम का लम्डा ना बरात बरात ठीक ठाक यो मराई ना हम जा तो सही अच्छा ये लो ऐसा है ये लगन पत्रिका है लड़के के जितने बाल है लड़की के तो वहाँ पे है ही और ऐसा है 5 बाल है लड़के के ठीक है ठीक है लड़की के 7 बाल है और बहुत जल्दी से अच्छी तरह से बना ठीक है पंडित जी हम सब कुछ देख लेंगे चलो पंडित जी चलो आ भैया आ जाओ हरे राम 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 हरि ओम हरि के भजन करो क्या भैया प्रथम राजकुमार भैया जी देखो आपके कितने अच्छे भागे हैं कितनी अच्छी जगह से आपका रिश्ता हुआ है अजय नगरी के रहने वाले राजा अजयपाल उन्हीं की लड़की मंजुवती भाई साहब आपका टीका बहुत अच्छी जगह से आया है ये देखो भैया हाँ अजय नगरी के रहने वाले राजा अजयपाल उन्हीं की लड़की मंजुवती हाँ ये तो राजा है हाँ भैया राजा है एक आप भी राजा है हाँ और वह भी राजा है हाँ फिर क्या बात है और मैं क्या मैं एक रहतवा भैया प्रथम हाँ भाई देखो इस बात को ना बोलो आप ये तो वो दिन आपको याद होगा कौन सा जिस रोज मैं आपको बियाबान जंगल से जलादों से छुड़ा के लाया था मैंने कहा था मैं अपनी राजधानी का मालिक बना के ले चल रहा हूँ ये आपने कैसे कह दिया कि वो भी राजा है और आप भी राजा हो और मैं एक रहता हूँ ये क्या कहा भैया भैया पाचन हाँ ये तो मैं भी जानता हूँ ये तो आपको सब कुछ याद है या मुझे याद है हाँ एक बात मेरी सुनो क्या तो इस रिश्ते को वापस कर दो क्यों भैया ये शादी में नहीं चाहता क्यों क्यों नहीं चाहते हो क्या वजह है भैया हाँ सुनो बोलो हर एक गढ़ सियाने के बीच में मेरे सुनो धर्म के यार कहना मेरा मान लू यार इधर लगा लिए ध्यान मेरा ध्यान तुम्हारी ओर है भैया अरे भारी रे राजा वो भैया अरे अजय नागरी का क्या कहा वो बहुत बड़े राजा है वो बड़े राजा है अच्छा ए भारी रे राजा वो भैया अजय नागरी का अरे जहा चाली के जाएगी बरात अरे मेरे सुनी ले धर्म के भैया यार ओ शादी रचा लूं तेरी मैं अजय नागरी से भैया तुम्हें कौन है पड़ी रे परवाह
भाई साहब ए बार बार मैं तुम्हें समझाऊं, अरे मेरा कहना भी मानते भैया ना। ये भाई साहब भैया मेरी मर्जी ये है क्या कि आप इस टीके को वापस कर दो और शादी कहीं ऐसी जगह से करना जिससे आपका और मेरा उनका मेल खा जाए। नहीं भैया मैंने इस बात की हाँ कर दी है, मैं शादी आपकी अजय नगरी से करूंगा। अच्छा? तुम क्या चिंता करते हो, ऐसी क्या बात है। जैसे मर्जी भाई हो रे तुम्हारी पाचन भैया, जैसे मर्जी भाई हो रे तुम्हारी, अरे भैया नहीं पीर थम को हो इनका। घबराइए मेरे यारे धराम के, भैया तुम्हें कौन है पड़ी रे परवाए। भाई साहब अरे आपकी भाभी भी खुश हो जाएगी यार। मेरी भाभी तो हमेशा खुशी रहती है, आपको मालूम है। क्या होगा, खुश हो जाएगी। हाँ, क्या होगा, क्या होगा। चलो ए चले ना चलना भाई रे महल जनाइले, ए चले ना चलना भाई महल जनाइले, अरे चले भाभी रे देख रही होगी बात। चलो चलिए भाई साहब करे तैयारी भाई रंगे महलों की, अरे जहां खटा के पाल की कहिए लाल। चलिए भाई साहब ओ चल कारिया है भाई महल जनाने, अरे कदिया में डोरी के पास। ओ रे कदिया है महलों के भाई। अच्छा और मैं रणवास को जाता हूँ तुम्हारी भाभी के पास। जाइए भाई साहब, खुश हो जाएगी भाई साहब। अच्छा हाँ महाराज प्रणाम। धन्यवाद। तशरीफ लाइए महाराज, बैठिए। कहिए महाराज आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या कहा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ जी। अरे मेरी बात को सुन के आपको भी बड़ी भारी खुशी हो जाएगी। हमें काहे की खुशी। आज मैंने प्रथम राजकुमार का टीका ले लिया है तुम्हारे देवर का। हमारे देवर का। जी हाँ महाराज। बड़ी खुशी की बात है। आपको होगी खुशी। जी हमें नहीं है। अरे तुम बहुत सेवा करती हो, देखो तुम अकेली रहती थी इसलिए मैंने सोचते हुए भाई साहब का टीका ले लिया है, और टीका बहुत अच्छी जगह से लिया है। हमारा जरा भी ध्यान नहीं करो। क्यों, ये तो सारा काम तुम्हारा ही है। अरे हम नहीं करते तुमसे बात। ये क्या बात है। बस हम ऐसे ही खुश हैं। मतलब हुआ क्या। हाथ मत लगाओ हमें। सुनो ना। हाँ छोड़ो ना हमें, हम नहीं करते आपसे बात। लेकिन मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, बतलाओ ना। आपने छोड़ो ना हमें। अरे कुछ हुआ भी। आप समझे हमें। हाँ। हमारी बात को नहीं समझे आप। नहीं समझा तो समझाओ ना, क्या हुआ। क्यों जी सुनियो। हाँ। अपने देवर का खाना मैं बनाती हूँ। अच्छा है ना। हाँ। कपड़े मैं धुलती हूँ। अच्छा सारा काम अपने देवर का मैं करती हूँ। आप करती हो। तुम टीका लेने वाले है कौन थे। शादी नहीं करनी। मैं इस साल अपने देवर की शादी कर नहीं रही। अरे भाई साहब क्यों मेरे कम हुए हैं। मैंने अपने जेवर की शादी करी। टीका वापिस कर दो। मैं घर का काम इतना है, तुम अकेली परेशान रहती थी इसलिए मैंने ये बात सोचते हुए और भाई साहब का टीका ले लिया, तुम्हें भी आराम हो जाएगा। तो पहले हमसे राय मशवरा लेते, आपकी क्या राय है क्या नहीं है। अब समझे मैं तुम्हारी बात की, यानी तुम्हारा राय मशवरा नहीं किया। मतलब हमारी जरा सा भी कारण नहीं चलता घर में। अरे शादी के सारे काम मैंने टीका ही तो ले लिया भैया। आपका मैनेजर।
शादी का जो भी कोई काम होगा वो तुम्हारी बगैर राय से नहीं होगा, समझो ना बात को। सब कुछ काम तुम्हारी राय से होगा, ऐसी क्या बात है? अजी आ रहा है, मैं सरा लेना होता तो हमारे पहले हमारे पास आते, जब उसके बाद मैं आ तो लेते। एक बात सुनो, जबकि इंसान चार इंसानों में बैठ जाता है, किसी बात की हाँ कर दी तो उसे इनकार नहीं कर सकता ना। इनकार ना कर सकते तो अपने आप शादी कर लो, मैं ना करी अपने देवर की शादी, चले जाओ बस। ये तो कोई बात नहीं रही, सुनो ना एक बात सुनो, अरे जो कोई काम होगा वो तुम्हारी बगैर मर्जी के नहीं होगा। और टीका बहुत अच्छी जगह से लिया भैया का, सही बात। अजय नगरी के रहने वाले राजा अजय पाल उन्हीं की लड़की मंजुवती है। राजा अजय पाल? राजा अजय पाल उन्हीं की लड़की मंजुवती। बड़ी भारी खुशी की बात है। और क्या? अच्छा तो क्यों? और प्रथम बहुत चिंता कर रहे हैं। क्यों, किस बात की? वो इसलिए वो मना कर रहा कि भैया मेरी शादी मत करो। क्यों जी, शादी क्यों मना कर रहे हैं वो? पता नहीं क्या बात है। लाओ दिखाओ कहाँ है वो, ये देखो। पहले मुझे वो दिखाओ, कहाँ से आपने टीका लिया है, पहले मैं भी तो देखूं कहाँ से लिया है टीका। ये देखो लगन पत्रिका है, सब कुछ है इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यों नाराज हो रहे हैं वो? यूँ कह के मेरी शादी मत करो भैया। शादी मत करो? और क्या, और शादी करने के नाम? अरे शादी तो करनी है, जवान हो गया। मैं उन्हें एकदम खुश कर दूंगी, तुम मेरे पास भेजो। देखो गुजरी एक बात है, आज मेरे देवर की शादी है, दुनिया भर की खुशी मैं बनाऊंगी, है ना। इसी बात की अपने देवर को चिंता नहीं आने दूंगी। प्रथम को यह मालूम नहीं होना चाहिए कि मेरी भाभी है या मेरी माँ है। सारा जेवर भाई साहब की बहू को चढ़ा दे। चिंता मत करो, जैसे आप कहोगे वैसे ही होगा, लेकिन मेरा भी ध्यान रखा करो। हाँ मैं भी तुम्हारे घर में रह रही हूँ। काम ये सब कुछ तुम्हारा ही, ऐसी क्या बात है? इसे संभालो, जाओ तो मेरे पास। भैया प्रथम राजकुमार। हाँ भाई साहब। आओ, तुम्हारी भाभी बुला रही है, आइए। अच्छा। भैया आओ आओ। हाँ भाभी नमस्कार। खुशरा देवर जी, बहुत भर के लाला हूँ, बैठो। हाँ भाभी बैठो। देवर जी मैं तुम्हारे सामने क्या बैठूंगा भाई साहब? आज आपके बैठने का दिन है भाई साहब, बैठेंगे। अरे आज भाई साहब बैठेंगे, आज आपका दिन है बैठने का, आज हमारा नहीं है भैया। हाँ गुजरी, ये हुई ना बात, ऐसा है बारात बहुत सवेरे जानी है, दो चार औरतों को बुलवा के गीत उत गवा ले, अगला काम मेरा है, तुम बीच में बोला करो। मुझे बता देना, फिर नाराज हो जाऊंगी, फिर तुम नुकसान लगा नहीं होगा, ऐसा कर रही। ये देखो भैया, भाभी मैं अपने जेवर की खुशी अपने आप बनाऊंगी। भाभी। हाँ देवर जी। मैंने तो भाई साहब से बहुत ही मने किया, किस बार? पर भाई साहब नहीं माने, शादी को मैंने मने किया था, नहीं माने वो। शादी करनी ना है कभी? नहीं, वो तो बात ठीक है, बाकी वो तो राजा है और हम कौन है? ठीक है आप भी राजा है भाभी, पर मुझे तो सोचो मैं कौन हूँ। कौन? हाँ मैं रहतुआ हूँ। देवर जी इस बात को कभी भी अपने मुँह से मत कहना। अच्छा। हाँ क्योंकि वो राजा है तो हम भी राजा हैं और आप भी राजा हो भैया। प्रथम तुम बार बार इस बात को कहते हो, इस बात को मत कहना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा दुनिया में तेरे अलावा और कौन है, इस राजपाट के मालिक सब कुछ तुम है। देवर जी। हाँ भाभी। एक तुम ही हो मेरे, और कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। ठीक है भाभी, फिर आपकी जैसी इच्छा हो मैं वैसे तैयार हूँ। और सुनियो, तुम शादी क्यों मना कर रहे थे, उठो जरा। क्या बात है? शादी क्यों मना कर रहे थे तुम? भाभी शादी को माने में और कोई बात नहीं है, यही माने कर रहा था कि वो राजा है, मैं फिर भी। सुनियो सुनियो। हाँ। तुम्हारे अंदर कुछ कमी हो तो? नहीं भाभी। तो मैं दवाई मंगवा दूँ। नहीं ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं, बात नहीं तो बैठो। अच्छा बैठो, तुम जाओ जी बाहर को, मैं नाचूंगी अब, तुम बाहर को जाओ। अच्छा। हाँ मैं नाचू। भाभी को बड़ी खुशी है। हाँ और क्या, बाहर सहेलियो बहनों, आज मेरे देवर की शादी है। हाँ नाम मिलेगा, आज नाचो खुशी बनाओ मेरे देवर की। अरे जी पानी में लहरे ले रही मेरे राजा बेल सिंगाड़े की, ये जी पानी में लहरे ले रही राजा बेल सिंगाड़े की। लहंगा लइयो जी,
हरिया जी अखियों के बीच लगाइयो जी राजा अभिनय बचने की हरिया जी पानी में लहरे लेरे मेरे राजा सजाइयो जी अरे जी मुझे ये जी मुझे हाय मुझे अपने धोरे सुलाइयो जी राजा अभिनय बचने की अरे जी पानी चलो कोई बात ना कह लेने दो तेरा रंगी लाली गुलाबी रे बनरे तेरा रंगी लाली गुलाबी रे पसीना मुझे आता ही जाते कोई बात ना देवर जी जब लो मैं साथ हूँ तुम्हारे कोई चिंता करने की बात तुम्हारे होते कोई चिंता हाँ। नहीं बस लो। अच्छा और देखो सुनियो जरा सुंदर सी बहू लेकर आना भूरी सी ये तो तकदीरी बात है हाँ। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं जल्दी आना काम है हट रुक जा शहर डाल दे शहर डाल दूंगी इधर को इधर को सामने अरे तेरी डिबिया बड़ी चौड़ी भाई दो दो
नजर उजर ना होने की बस। अच्छा बहुत से आगे लोग बड़ी बदतमीज रहे हैं। हाँ बाल मास्टर कहिए, तूने अपने करने का काम कर लिया? जी महाराज। ये पैसा मिल गया? नहीं क्या? हाँ लो लो, ये पैसे लो लो, ये 10,000 रुपए हैं। अच्छा यही से लगा के? हाँ। और वहीं तक मेरे देवर के ऊपर बखेर करते जाना है तुम्हें। जैसा होगा वो महारानी। ठीक है चलिए भैया। पृथ्वी राजकुमार तैयार हो आप? एक बात सुनो बाल मास्टर। क्या बात है भैया? देखिए मेरी भाभी ने आपको पैसा दिया जी काफी बखेर करने के लिए। जी अच्छा महाराज रुपए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा भाभी अब मेरी नमस्कार।